महिला पर अत्याचार और महिला बलात्कार के विषय को तंत्र बनाकर राहुल गांधी ने ये निंदनीय काम किया है। वैसे तो हिंदुस्तान की औरतें सक्षम है उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का, लेकिन आज मैं यहाँ जितने पुरुष खड़े हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या हिंदुस्तान का हर पुरुष बलात्कारी है राहुल गांधी की दृष्टि में? प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में सभी आकर हिस्सा लें और हिंदुस्तान को सशक्त करें। राहुल गांधी कहते हैं कि आइए हिंदुस्तान में बलात्कार कीजिए, यह सभ्य समाज में किसको मंजूर हो सकता है? आज मैं चाहती हूं कि सोनिया गांधी भी समझाएं कि हिंदुस्तान की औरतें इस प्रकार के निंदनीय अपराध को कभी माफ नहीं करेंगी। और मैं आहत हूं कि राहुल गांधी का पक्ष लेने के लिए यूपीए के कुछ महिला सांसद भी उपस्थित हो गए। महिला के बलात्कार और महिला पर अत्याचार के विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वर्षों वर्ष से मैंने ये पक्ष सदन में और सदन के बाहर रखा है। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ऐसे निंदनीय शब्दों के लिए बचाव कर रहे हैं। राहुल गांधी कान खोलकर सुन ले, कम रेप इन इंडिया का उनका इन्विटेशन, उसका मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान के परिवार उनको दे। मैम, आप लोग माफी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के तमाम सांसद और कुछ महिला सांसद भी यूपीए के बोलो जस्टिफाई करने के लिए। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, जो लोग आपका ये प्रसारण देख रहे हैं, क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी नेता को सुना ये कहते हुए कि आइए हिंदुस्तान में बलात्कार कीजिए? राजनीति अपनी तरफ एक तरफ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हिंदुस्तान में कोई ऐसा है जो इस स्टेटमेंट का समर्थन करेगा? मैम, आपको उम्मीद है राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्या माफी मांगना पर्याप्त होगा? अगर आपकी बहु बेटियों को राहुल गांधी इनवाइट करता है बलात्कार करवाने के लिए, आप बताइए मुझे कि आपके लिए माफी पर्याप्त होगा? आपको राहुल गांधी और देश के पुरुषों को, सभी पुरुषों को बलात्कारी कहता है, क्या आपके लिए माफी पर्याप्त होगा? हर भाई हर बेटा हर पिता बलात्कारी है राहुल गांधी की दृष्टि में? क्या उस हर भाई हर बेटे के लिए माफी पर्याप्त होगा? क्या हमने कभी ये कहा कि जो महिला पर अत्याचार करता है उसको छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं। इस देश के हर तंत्र ने, हर राजनीतिक दल ने ये कहा है कि कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन देश के हर परिवार को कलंकित करने का अधिकार राहुल गांधी को किसने दिया?